हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब इन लॉजिकल लर्निंग। आज मैं आपको शो करने वाली हूँ फेज़ 8 क्लास 10 फिजी का स्टडी मटेरियल। सो अगर आप क्लास 9 से एडमिशन लेते हैं तो हर क्लास में मीन्स 9th में भी फेज़ 4 होंगे, 10th में भी फेज़ 4 होंगे। ओके, सो ये फेज़ 8 है, इट मीन्स आपके 4 क्लास 9th में हो गए, देन 5, 6, 7, 8 होता है आपका क्लास 10th में। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट फेज़ ऑफ क्लास 10। सो इसमें बुक्स होती हैं, हर फेज़ में बुक्स होती हैं, इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, एंड उसके अलावा आपकी होती है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, एंड एक वर्कबुक भी दी जाती है आपको। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की बुक से। यहाँ पे क्लास 10th के फेज़ 8 में फिजिक्स में कौन सा टॉपिक कवर किया गया है? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, एंड ह्यूमन आई के ये सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। ओके, सो इसमें हर बुक में क्या होता है, सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट दिया जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड। एज यू कैन सी दैट दिस इज़ द ह्यूमन आई थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, और इसके साथ सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं आपको हर टॉपिक के बाद। सो दिस ऑल आर द थ्योरेटिकल पार्ट फॉर दिस, एंड दिस इज़ द आंसर की। ओके, नाउ उसके बाद में आपको एक रिविज़न के लिए फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट एंड ऐड टू योर नॉलेज दिया जाता है। नाउ आपको सॉल्व प्रॉब्लम पहले दी जाएंगी। ओके, एज यू कैन सी दैट दिस इज द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सॉल्व प्रॉब्लम्स। नाउ इट हैज़ सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड समटाइम्स सेक्शन सी ऑल्सो। ओके, नाउ देर इज एम सी क्यूज, सो दिस इज लेवल 1, दिस ऑल आर द सॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, एंड दिस इज द लेवल 2 एंड दिस इज लेवल 3। ओके, नाउ ये होता है आपका CPP। देन उसके बाद में क्या होता है, आपको अनसॉल्व प्रॉब्लम दी जाती है, उसमें आपका होगा सेक्शन ए। यू कैन सी दैट सेक्शन ए में है 25 क्वेश्चन, देन सेक्शन बी, सो इट ऑल्सो हैज़ अप्रोक्सीमेट, यस, 25 क्वेश्चन, एंड द सेक्शन सी कंसिस्ट ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन। ओके, सो ये सब आपके हैं अनसॉल्व क्वेश्चंस, एंड आपको MCQ भी दिए जाएंगे जिसमें लाइक जैसे आपका सॉल्व में था लेवल 1, 2 एंड 3, सो इसमें भी होगा, दिस इज़ लेवल 1। ओके, सो लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस हैं, एंड दिस इज़ लेवल 2, एज यू कैन सी दैट दिस इज़ ऑल लेवल 2 क्वेश्चंस, एंड दिस इज़ लेवल 3। ओके, सो आप जैसे जैसे लेवल 1 से लेवल 3 की तरफ जाएंगे तो क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। सो यहाँ पे फिर इनके आंसर्स दिए हुए होते हैं, जितनी भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं सेक्शन ए, बी, सी एंड लेवल 1, 2, 3 के। ओके, सो इस तरीके से ये सारे सब्जेक्ट्स की बुक में यही पैटर्न फॉलो होता है। लाइक जैसे ये केमिस्ट्री की बुक है आपकी, नाउ केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को कवर किया गया है फेज़ 8 में, एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के ये सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी सबसे पहले ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, उसके बाद ये सॉल्व प्रॉब्लम्स, एंड देन देर इज अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, और MCQ आपके लेवल 1। ओके, एंड हियर इज ऑल्सो लेवल 2 एंड दिस इज लेवल 3। ओके, नाउ सिमिलरली इन द बायोलॉजी देर इज आर एनवायरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सो इसमें भी आपको ये सारे टॉपिक इसके कवर किए गए हैं, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स के सारे टॉपिक्स। एंड आपका सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट होगा, देन आपकी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स होंगी, मीन्स सॉल्व प्रॉब्लम पहले होंगी आपकी जिनके सॉल्यूशन दिए जाएंगे, जैसे ये रही आपकी सॉल्व प्रॉब्लम्स, एंड देन आप अनसॉल्व प्रॉब्लम होंगी जिन्हें आपको सॉल्व करना है। MCQ होंगे इसमें भी, सिमिलरली बायोलॉजी में भी लेवल 1, 2 एंड लेवल 3 आपका होता है, एंड लेवल 3 तक आपका डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाता है, और इसके आंसर्स भी आपको दिए गए हैं। ओके, नाउ दिस इज़ द मैथमेटिक्स फेज 8 बुक। मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी टू एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 2 एंड एडिशनल प्रॉब्लम्स को कवर किया गया है। सो सिमिलरली इसमें भी यही है कि आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट दिया गया है, उसके साथ भी एक्सरसाइजेज हैं, देन सॉल्व प्रॉब्लम्स है, यू कैन सी दिस इज द सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड दिस इज द अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, एंड इनके आंसर्स आपको हर टॉपिक के बाद दिए जाते हैं। नाउ दिस इज द ज्योग्राफी बुक। ओके, सो ज्योग्राफी में टॉपिक कवर ये दोनों हुए, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, एंड इन सबको डिटेल में किया गया है। सिमिलरली इसमें भी आपका यही है, थ्योरेटिकल पार्ट, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। नाउ दिस इज पॉलिटिकल साइंस। ओके, सो इसमें आपके कवर किए गए टॉपिक्स पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स,
आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, सो सिमिलरली इसमें भी ये पैटर्न फॉलो हुआ है आपका. थ्योरेटिकल पार्ट आपको पहले दिया गया, देन सॉल्व प्रॉब्लम एंड अनसॉल्व प्रॉब्लम. ओके, नाउ दिस इज द इकोनॉमिक्स बुक. सो इकोनॉमिक्स बुक में है कंज्यूमर राइट, और कंज्यूमर राइट में भी सिमिलरली आपके ये सारे टॉपिक हैं और सॉल्व एंड अनसॉल्व प्रॉब्लम्स. ओके, सो आप पूरी अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हो इस टॉपिक को. सो नाउ दिस इज हिस्ट्री बुक. ओके, सो हिस्ट्री में टॉपिक कवर किया गया है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे भी थ्योरेटिकल पार्ट हैं, आपकी एक्सरसाइजेज हैं और आपको असाइनमेंट दिया गया है. ओके, नाउ दिस इज वर्क बुक. और वर्क बुक में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स. ओके, इन सब के क्वेश्चन वापस से जो ये कंबाइंड आपका फेज एट में जितने भी टॉपिक थे उन सबको कवर किया गया. जैसे यहाँ पे ह्यूमन आई को कवर किया है, दिस इज सेक्शन वन. ओके, उसके वापस से आपको लेवल वन, लेवल टू एंड लेवल थ्री आपको तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे. सो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए. नाउ दिस इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. इसी तरीके से सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो के टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं, और क्वेश्चंस का लेवल होता है वो और भी इंक्रीज हो जाता है वर्कबुक में. सो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, और ये पूरा एनटीएससी का आपका सिलेबस कवर हो जाता है. सो ये फेज एट जो होता है वो एनटीएससी से पहले ही कंप्लीट कर लिया जाता है. ओके, ताकि आपका एनटीएससी में भी ये हेल्पफुल रहता है, बिकॉज एनटीएससी में आपका पूरा 9th एंड 10th का कोर्स आता है. ओके, सो दीज ऑल आर द फेज एट क्लास 10 फिजी बुक्स. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching the video. Bye guys.